सो हाय दोस्तों, वेलकम टू द सिक्स्थ व्लॉग ऑफ माय लाइफ। तो आज उठते उठते मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम बाल कटवाने चले जाते हैं, बिकॉज हमें आज अपने स्कूल जाना है जहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन की है। तो उसके बाद वी हैव अ ब्रेकफास्ट, बिकॉज हमें बहुत देर तक रहना है, वहाँ हमारा सेशन है। उसके बाद हम फॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट तब भी इट्स अ कंपल्शन दैट आई हैव टू फॉलो इट ऑल। तो उसके बाद हम स्कूल पहुँच जाते हैं और हमारी स्वागत होती है, लाइक हमें बैचेस पहनाए जाते हैं, हमारे जूनियर्स हमें टीका भी लगाते हैं, विच वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड क्षितिज बोथ। सो आई एम इन माई स्कूल एंड आई कांट टेल यू दैट आफ्टर कमिंग हियर आफ्टर 3 years हाउ इट इज फीलिंग। आई एम बीइंग नॉस्टैल्जिक अबाउट ईच एंड एवरी मोमेंट दैट आई हैव स्पेंड हियर। इन दीवारों में लाइक पूरा 8 साल निकल गए मेरे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई थिंक आई एम वॉट आई एम टूडे। बहुत कुछ सिखाया इस इंस्टीट्यूशन ने, तो मेट्रिकुलेशन तक ही पढ़ाई इस इंस्टीट्यूशन से, लेकिन तब भी यार पहले बोलते थे कि स्कूल अच्छा नहीं है, बट अब इट्स लाइक कि वॉट एवर आई एम टूडे या फिर ज़िंदगी में कहीं भी जाऊंगा, तो उसका प्राइमरी स्कूल इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा ज़िंदगी में, और वो द ग्रेट गोज टू सेंट डोमिनिक्स सेवियर्स एंड देयर टीचर्स हू हैव टॉट मी वेरियस थिंग्स। एक समय ऐसा था कि मैं बच्चा था और बाहर से लोग आते थे कुछ बताने के लिए, वॉलंटियर्स या फिर कुछ NGO से। नाउ आई एम इट्सेल्फ डूइंग इन माई ओन स्कूल that made me the person that I am today, so it's a great feeling. I can't tell you how I am feeling at this moment. So इसके बाद बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और इसी बीच हम मौका निकाल के क्षितिज से भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्षितिज कैसा लग रहा है स्कूल में आके? अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत साल बाद आए हैं। कितने साल बाद आए? 3 साल हो रहा है। 3 साल? 3 साल के बाद यादें आ रही हैं, पुरानी बातें बहुत सारी आ रही हैं, पूरा एकदम आ रहा है ना, एकदम नॉस्टैल्जिया। सो इसके बाद हमारा सेशन शुरू हो जाता है और देवोप्रिया मैम मोस्टली हमारी तारीफ ही करती हैं, ऑन विच आई सेड कि हमें ये लगता है, इनफैक्ट मुझे लगता है दैट जिंदगी में आप जो कुछ भी करते हो ऑन अ पर्सनल लेवल या फिर जो कुछ भी आप बनते हो, कहीं भी आप पहुंचते हो, उसमें आपका खुद का योगदान इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इट स्पेसिफिकली बॉयल डाउन टू ऑल द पीपल हु मेक इट हैपन, लाइक टीचर, पेरेंट और एनीबडी, इवन योर फ्रेंड्स। सो ये सक्सेस को हम देवप्रिया मैम को डेडिकेट करते हैं। सो इसके बाद मुझे भी मौका मिला कि मैं भी कुछ अपना एक्सपीरियंस या अपना इनिशिएटिव शेयर कर पाऊँ। सो बच्चों से जब जब मुझे मौका मिला मैंने इंटरेक्ट किया और उन्हें बताया कि क्यों ज़रूरी है प्लांटिंग करना, क्या है क्लाइमेट चेंज और कैसे इस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया, आई एंजॉयड लाइक हेल, बिकॉज मुझे अपना बचपन इसमें याद आ रहा था। आई एम सॉरी, अपने लिए कोई पेड़ नहीं लगाता, अपने लिए कौन लगाएगा? जो पेड़ आप लगाओगे 10 साल बाद, जरूरी नहीं कि आप उसकी फल खाओगे या उसके नीचे रहोगे। तो आप जो भी काम करते हो तो दूसरों के लिए करते हो, ओके? परमिशन मिलता है क्योंकि रिक्वेस्ट करते हैं, ओके? रिक्वेस्ट करोगे, गवर्नमेंट को लेटर लिखोगे, जरूर सुनेगी गवर्नमेंट। उनको चाहिए होता कि वैसे ऐसे बच्चे मेरे आए और मेरी मदद करें, ओके? ये उठा के नहीं, आप लोग कंधे पे लेके आओगे, मुझे पता है। यस प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे नहीं अच्छे बनना पड़ता है, ओके? जब आप नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जब आप काम करते हो किसी चीज के लिए, तो जब ये सब काम करते हो ना, पेपर बनाते हो, तो इट मेक्स यू हम्बल। आपको पता होता है कि ये काम सब लोग नहीं कर रहे, ग्राउंडेड, इट मेक्स यू ग्राउंडेड। प्लांटिंग ट्रीज, डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, ये एग्जैक्टली। सो माई गोल इज टू प्लांट ट्रीज माई एंटायर लाइफ, इट्स माई गोल, तो ये जिंदगी भर के लिए। सो जहाँ मौका मिल रहा था, बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारी तारीफ कर रहे थे, और अच्छा भी लगता है टू स्प्रेड अवेयरनेस, बच्चों को ये बताना कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत सारे लाइक ऑब्सेशन हमारा एंड हो गया है, सो प्रॉबली वी विल गो, बट हम प्रिंसिपल मैम से भी मिलेंगे। और उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या बनाया है इन बच्चों ने मिलके, पूरा अगर मैं पिक्चर बताऊँ आपको क्या है। आप देख सकते हो ये है ब्रिक्स जो मदद करेंगे कंस्ट्रक्शन में, मदद करेंगे, इट इज मेड आउट ऑफ वेस्ट, आप देख सकते हो उसके अंदर प्लास्टिक है, पेपर है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ये सीड बॉम्ब, उसके अंदर सीड्स है और जहाँ भी आप फेंकोगे इट हैज अ टेनेसिटी टू जर्मिनेट इनटू अ ट्री, इनटू अ प्लांट एंड इनटू अ ट्री। सो दिस, एंड वो आप देखो बर्ड फीडर्स एंड दिस इज पेपर वैक्स, ब्यूटिफुल। तो बच्चे जा चुके हैं, बट ये हमेशा की कहानी है हमारी कि बहुत गंदा कर देते हैं, तो सफाई तो हमें करनी है और इसमें कोई छोटा काम है नहीं, तो यस सफाई हमें करनी होगी। एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू, लाइक
यही काम हमें करना है यार। वी वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट। रिकग्निशन मिले ना मिले, बहुत रिकग्निशन मिलता भी है, अच्छा काम करोगे तो मिलता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर एट व्हाट स्टेज यू आर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन फाइनली वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट आवर प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर सर। तो आई कांट टेल यू द एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो व्हाई इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरह की अटेंशन हमें वहाँ मिल रही थी इवन दो हम 3 साल के बाद आए थे, तो इट वॉज समथिंग दैट वॉज कैचिंग माई अगेन एंड अगेन। तो हमें मौका मिला कि हमने अपने इनिशिएटिव के बारे में दोनों को समझाया और उसके बाद हमने बहुत बातें की। इट वॉज नॉट लाइक कि एक हम स्टूडेंट और प्रिंसिपल की तरह बात कर रहे हैं, वी वर टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स अबाउट एवरीथिंग इन आर लाइफ। तो फाइनली हमें उसके बाद मौका मिला कि वी टुक पिक्चर्स एंड फिर हमें एक डेट मिल गई जिसपे हम मिल सके उनसे एंड फाइनली वेंट होम। तो घर जाते जाते हम थोड़ा कुछ खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी हंग्री, सो एज यू नो वॉट माई डाइट इज। उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद हम अपनी कोचिंग निकल जाते हैं। सो यू नो डूइंग दिस ऑल दिस कैंपेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रीफाइसेस ऑन द एकेडमिक एंड, तो हमें सब कुछ संभालना है। तो फाइनली ऐसा करते करते हम कोचिंग पहुँच जाते हैं एंड कोचिंग में हम टाइम से पहले रहते हैं एंड आप देख सकते हो कितनी नौटंकियाँ होती है हमारी, सीनियर्स और जूनियर्स साथ में करते हैं। तो फाइनली हमारे टीचर आ जाते हैं और हमारी मैथ्स की क्लास होती है, सो जल्दी जल्दी करके हम इसको फिनिश करते हैं एंड फाइनली हम अपने घर लौट जाते हैं। सो घर लौटने के बाद हम फाइनली अपने कपड़े चेंज करके जिम पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त था नहीं। सो वी चेंज एंड वी स्टार्ट आवर वर्कआउट। आज हमारा बैक था सो बहुत ही इंटेंस वर्कआउट होने वाला था। द डे वॉज वेरी वेरी टायरिंग। शायद ही मैंने कल रात को शायद 4 से 5 घंटे की नींद ली थी और मैं शायद थोड़ा सीरियस हूँ अपनी नींद को लेके। यस 4-5 घंटे थोड़ा सीरियस हो गया हूँ अब एंड प्रॉब्ली लाइक आई विल फिक्स माई शेड्यूल। सो फाइनली बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट करने के बाद हमारा आज का दिन ख़त्म हो जाता है। सो जिम और डिनर के बाद फाइनली आवर डे इज़ कमिंग टू एन एंड। सो पढ़ाई नहीं हो पा रही उतनी, कोचिंग कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिविजन थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं, बट अभी सेल्फ स्टडी उतनी नहीं हो पा रही। बहुत जल्दी होगी बट सब चीज़ ज़रूरी है। माई लाइफ का जो मेन पर्पज़ है अगर वही फुलफिल नहीं हुआ तो पढ़ के क्या ही करेंगे। सो द मेन पर्पज़ इज़ टू डू समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस फील्ड, काइंड ऑफ अ फिलैंथ्रपी, बट वो हो पा रहा है, दैट इज़ मेकिंग मी हैप्पी। सो वील डू एवरीथिंग। हमने प्रिपरेशन इसलिए शुरू की थी कि हम सब कुछ कर पाएँ, थोड़ी प्रोफाइल बिल्डिंग कर पाएँ, जो दिल से चाहते हैं वो भी कर पाएँ और पढ़ाई भी कर पाएँ। सो वील मैनेज एवरीथिंग। आने वाले समय में हमारा जो शेड्यूल है इट विल बी वेरी हैक्टिक, बट सब चीज़ को मैनेज कर लूँगा, इतना है भरोसा अपने पे। बट एनी वे टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ डू कमेंट कि कैसा लगता है मैं बनाता हूँ, तो क्या इम्प्रूवमेंट और होनी चाहिए। यू कैन टेल मी, आई विल एम्ब्रेस योर लाइक क्रिटिसिज्म इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे। टिल देन ख्याल रखिए अपना और सबका, रब मेहर करे आप सब पे एंड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।